तो अभी हम रमदिरी एक में हैं और यहाँ पर मुखिया प्रत्याशी के रूप में एक काफ़ी चर्चित नाम आ रहा है, बबलू जी का और पार्वती जी का आ रहा है, जो कि रमदिरी एक से है और काफ़ी अच्छे कॉम्पिटिटर है। और हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग किया तो जाना कि ये भी रेस में है, क्यों रेस में है, तो इन्हीं से सबसे पहले जानते हैं। सबसे पहले स्वागत है सर, हम ग्राउंड रिपोर्टिंग किए तो देख रहे हैं कि आपका नाम काफ़ी ज़्यादा रेस में आ रहा था, ऐसा कौन सा आपने काम किया पिछले दिनों कि जनता आपको इतना प्यार दे रही है? देखिए, सबसे पहले तो आप इस दियारा क्षेत्र में आए, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि क्योंकि ये बिल्कुल दियारा क्षेत्र है और बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है, यहाँ पे अधिक से अधिक मीडिया कर्मी आ नहीं पाते हैं। अच्छा। और आप आए हैं इस रामदिरी पंचायत नंबर एक में और पूरे जनता मालिक के तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूँ। स्वागत तो कर लिया आपने, लेकिन मुझे ये बताइए कि आपने ऐसा ऐसा कौन सा काम किया है और पूर्व में जो काम किया जिसका हिसाब लेने इस बार मुखिया बनकर आप आ गए हैं? देखिए, ऐसा है कि पिछले 10 वर्षों से मैं समाज का सेवा करता आया हूँ। अच्छा। और जहाँ तक काम की बात है तो कितना काम गिरा है, बहुत सारा गांव का कोई भी काम होता है। अच्छा। तो उसमें मेरी भागीदारी निश्चित तौर पे होता है। काम गिनती क्या, पिछले बार भी आए थे मीडिया बंधु तो उन्होंने भी इंटरव्यू लिए थे और उस समय भी बहुत सारा काम को हमने बताया बैठे, तो बार बार एक ही काम को बताना ठीक नहीं लगता है। ये समझिए कि बिल्कुल 10 साल से हम समाज से जुड़े हुए हैं और समाज के लिए जीते हैं मरते हैं, हमेशा समाज के लिए कोई भी काम हो तो निश्चित तौर पर तत्पर रहते हैं और सबसे आगे बढ़ चढ़ कर हम काम करते हैं, यही बात है। कोरोना काल में और बाढ़ के समय में, बाढ़ तो आई होगी आपके अभी हाल फिलहाल में, उसमें क्या किया आपने? बिल्कुल, बाढ़ इतना मैंने इतना ज़्यादा इस बार पानी आ गया था कि मेरा पूरा गांव, ये कह लीजिए पूरा गांव क्या कहिएगा, ये बांध गुप्ता लखमिनिया बांध से नीचे यहाँ से लेकर के मटिहानी वो मथायर दीरा तक चले जाइए, काशिनपुर तक चले जाइए, पूरा जलमग्न था। और बाढ़ में भी हमसे जहाँ तक चला बना, मैं व्यक्तिगत तो नहीं किया, लेकिन सरकार की जो योजना आई उसमें अपनी भागीदारी देकर एक एक जनता को कोशिश किया कि खाना खिलावे, मास्क का वितरण हो, सैनिटाइजर हो, इस तरह से जो हमसे चला बना निश्चित तौर पे हमने वहाँ पर किया। तो आपको क्या लगता है कौन से कार्य को लेकर आप आए हैं इस बार और क्या क्या करेंगे अगर जीतेंगे तो, जनता पर विश्वास करेगी तो? देखिए, मेनली हुआ कि जो पिछले बहुत दिनों से चुनाव तो हर 5 साल में होता है और हमारे मुखिया जी कोई ना कोई बनते हैं, लेकिन जनता संतुष्ट नहीं है और कौन क्या किए उस पर हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। उनसे जहां तक चला होगा, बना होगा, वो काम किए, अब कुछ उसमें बचा रह गया, जनता संतुष्ट नहीं है। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, ये संतुष्ट नहीं रहने के कारण जनता जो अभिभावक टाइप के लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, और बुजुर्ग का हम बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं और युवा जो है उनको हमेशा साथ रखते हैं, तो बुजुर्ग लोग आकर के हमसे बात किए, बोले कि बबलू तुम वैसे भी समाज का काम हमेशा करते रहते हो तो क्यों ना तुम चुनाव लड़के सशक्त हो करके और पूरे पंचायत का नेतृत्व करो, एक बेहतर समाज का निर्माण करो, एक बेहतर सोच का निर्माण करो, इसी ख्याल से मैं आया। तो बबलू जी, कुछ प्रत्याशी आपके ऐसे भी हैं जो पूर्व में इस गांव की सेवा दे चुके हैं, तो क्या लगता है कि उनका अगर जनता उस पर फिर विश्वास करेगी या फिर वो भी रेस में है तो उनसे आपको क्या लगता है? जनता अगर उन पर विश्वास करती तो निश्चित तौर पे हमारे साथ सलाह मशवरा करने नहीं आते। अच्छा। निश्चित तौर पे विश्वास जनता का उठ चुका है। अच्छा। और यही लेकर के हमको अभिभावक जो हैं, मेरे गार्जियन जो हैं, वो बोले कि आप चुनाव लड़ो और मैं आपके साथ हूँ और अभी तक साथ भी है। अभी आप जा कर के 3 गांव घूम लीजिए, मेरे पंचायत में 3 गांव आता है, चकबल्ली, जगतपुरा और मीनापुर, ये 3 गांव आता है और 3 गांव में 9 वार्ड है, और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ। और वैसे आप फीडबैक ले सकते हैं, पूरा ग्राउंड रिपोर्टिंग कर सकते हैं, हर घर पे जा सकते हैं, आपको अधिक से अधिक लोग एक ही बात बोलेंगे, बबलू कुमार बैगन छाप, इसी चीज़ का ही नाम लेंगे, तीसरा कोई चीज़ का अभी लोग नाम भी लेना नहीं चाहते हैं, तो ये जनता का लार है, प्यार है। और हमने जो मेहनत किया है, हमने जो काम किया है, वो सर आँखों पर सभी लोग रखे हुए हैं और मेरे साथ हैं और सभी लोग मेरे साथ हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं, दिन प्रतिदिन मेरा वोट बढ़ता जा रहा है। अच्छा। और हमें तो इस बार ये लगता है कि जितना पोलिंग होगा, लगभग 3,000 से 3,200 पोलिंग होगा, मेरे पंचायत में टोटल वोटर हैं 4,423, उसमें से 3,000 से 3,200 तक लगता है पोलिंग होगा, और हमें तो ऐसा लगता है
पोलिंग का 50% वोट हमें आने जा रहा है। इस लेकर के जहाँ तक अभी आप कुछ देर पहले बोल रहे थे कि टक्कर उक्कर की बात, तो हमको तो लगता है टक्कर उक्कर किन्हीं से है भी नहीं। और मैं व्यक्तिगत ये मानता हूँ कि मैं अपनी विचारधारा को लोगों के बीच रखा हूँ, तो हम टक्कर उक्कर की बात समझते नहीं हैं, और टक्कर में कोई है भी नहीं और टक्कर होना भी नहीं चाहिए। सिर्फ चुनाव शांतिपूर्ण चुनाव हो। हम सभी जनता मालिक से 11 प्रत्याशी हैं, सभी 11 प्रत्याशी से भी मुखिया प्रत्याशी जो उनसे भी दसों उंगली से हम विनती करते हैं कि निश्चित तौर पर एक शांतिपूर्वक चुनाव हो। अभी देखिए एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण देता हूँ, आनंद सिंह का गाँव है लदमा, वहाँ पर क्या कहता है पंच से लेकर के मुखिया तक टोटल व्यक्ति निर्विरोध चुना गया, टोटल के टोटल व्यक्ति, और ये हमको लगता है पूरे भारत में ये रिकॉर्ड होने जा रहा है ये चीज़, जैसा कि वहाँ का ये दिखा। और वही देखिए यहाँ का भी जो पंचायत का कितना अच्छा ग्राफ बना हुआ है, भौगोलिक स्थिति बना हुआ है। आप देखिए तीन गाँव है और मुख्य तीन पद है, तीन गांव है चकबल्ली, जगतपुरा, मीनापुर, तीन गांव है, मुख्य तीन पद है, मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति। अगर आपस में हम लोग बैठकर इसका निर्णय कर लें, तीनों व्यक्ति एक एक सीट को ले लें, तो हमें लगता है यहां पे सरकार का भी खर्च बचेगा, हम लोग का भी खर्च बचेगा, और एक समाज के बीच एक बेहतर सकारात्मक पॉजिटिव मैसेज जाएगा। तो क्या लगता है इस बार अपने विरोधियों का भरता निकालेंगे ना बैगन छाप से? नहीं, विरोधी मेरा कोई नहीं है। अच्छा। ये समझ लीजिए कोई भी मेरा जीतेंगे तो भरता निकल जाएगा ना? नहीं, जीतेंगे तो भरता नहीं निकल, हम काम करके उनको अच्छा। दिखाएंगे कि देखिए भैया काम कैसे होता है, काम कैसे करना चाहिए, जनता कैसे खुश रहेंगे, जनता को कैसे संतुष्ट करेंगे, इस तरह से हम काम करेंगे। और सभी 11 प्रत्याशी को हम जीतेंगे फिर भी सम्मान करेंगे, और हार की बात अभी क्या बोले, जीते हारे कुछ भी हो हम सभी व्यक्ति का सम्मान। जैसा कि देखिए दो तीन मुद्दा मेरे लिए बहुत ही प्रमुख मुद्दा है और उस पर हमेशा हम सोच रहे हैं, और यहाँ तक कि कुछ पदाधिकारी से भी हमने बात किया है, लेकिन जस्ट चुनाव के बाद मैं उसी मुद्दा पे काम करने सबसे पहले कोशिश करूँगा। सबसे पहले मेरे पंचायत में हाई स्कूल है। अच्छा। लेकिन उसमें टीचर नहीं है, कुर्सी नहीं है, बेंच नहीं है, बल्ब तार नहीं है, ग्राम प्रतिनिधि के उदासीनता के कारण जैसा कि हमको लगता है कि अभी तक वो सुचारू रूप से चल नहीं पा रहा, तो निश्चित तौर पे हम ये कोशिश करेंगे, सबसे पहला मेरा काम होगा कि वो हाई स्कूल को हम चालू करें। दूसरा ये चीज़ कि एक यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र है, स्वास्थ्य केंद्र रहने के बावजूद भी वहाँ पे ना ही 24 घंटा नर्स रहते हैं, ना ही कंपाउंडर रहते हैं, और यहाँ से मेरा प्रखंड 22 किलोमीटर की दूरी पर है, और सड़क बिल्कुल जर्जर, आप जाइएगा तो इतना बड़ा बड़ा आपको गिट्टी पत्थर मिलेगा, उस पर साइकिल से जाइए, मोटरसाइकिल से जाइए, पैदल जाइए, लेकिन चलने योग्य रास्ता नहीं है। और उस स्वास्थ्य केंद्र की जो मैंने बात किया था, इसलिए किया था कि मेरी माँ बहना का जब प्रसव होने की नौबत आती है, उस समय उस कराहती हुई दर्द में यहाँ से 22 किलोमीटर का सफ़र वो मेरी माँ मेरी बहन तय करती है, तो सबसे पहले मैं वो चाहूँगा कि वहाँ पे 24 आवर नर्स रहे, डॉक्टर रहे, कंपाउंडर रहे, और ये जो समस्या है मटिहानी जाने आने का, ये समस्या दूर हो जाए, ताकि मेरी माँ बहन का जो वो दर्द होता रहता है उस दर्द में मटिहानी जाना पड़ता है बगल में, ये हो जाए। तीसरा है कि हमारे पंचायत में ज़मीन है खेल ग्राउंड के लिए, प्ले ग्राउंड के लिए, लेकिन है नहीं अभी, मतलब ग्राउंड नहीं बना हुआ है। हम उस पर भी नज़र रखे हुए हैं कि सभी युवाओं के लिए मैं जल्द से जल्द प्रयास करूंगा कि एक ग्राउंड मेरे युवा को हो जाए। बगल में हमारे बगल में एक ग्राउंड था NTPC थर्मल के पास, हम लोग उसी में हम लोग पले बढ़े खेले कूदे सब उसी ग्राउंड में, लेकिन दिसंबर 2018 से जब से NTPC थर्मल आई है उस समय से वो अपना तानाशाही रवैया अपनाए हुए हैं। मेरे बच्चे कुछ जा कर के वहाँ पे दौड़ते थे, जिनको कि बंद माने दौड़ना बंद करवा दिया गया, तरह तरह का एलिगेशन लगाकर कि बच्चे हैं ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। भैया बच्चे तो आपका भी हैं, आपके घर में भी बच्चे होंगे तो निश्चित तौर पे नटखट करते होंगे, तो क्या आप अपने बच्चे को घर से भगा देते होंगे? नहीं भगाते हूँ, तो मैं NTPC के प्रबंधक महोदय से भी दसों हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ कि निश्चित तौर पर मेरे जो बच्चे बच्चियाँ वहाँ पे दौड़ने के लिए जाते थे उनको वहाँ पे दौड़ने दिया जाए। तीसरा मुद्दा है कि
आप इधर बांध गुप्ता लखमिनिया बांध से इधर देखिएगा, 50,000 की आबादी है और ये 50,000 आबादी का सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है जो कि NS-28 को जोड़ता है और वो गेट अभी वो थर्मल से गुजरता है वो रास्ता। और NTPC बताए दिसंबर 2018 से जब से आई है तो गेट को भी बहाना बना के बंद किए कोरोना का नाम लेकर के कि DM साहब का आदेश है कोरोना में आना जाना बंद है, हम अभी गेट बंद करते हैं अब फिर इस गेट को हम खोल देंगे, इसी बहाने से बंद किए और उसके बाद आज तक वो नहीं खोल रहे हैं और हम लोग उसके लिए आंदोलित हैं। और जस्ट चुनाव खत्म होने के बाद निश्चित तौर पर हम एक बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं, नहीं तो निश्चित तौर पर मेरा जो प्लेग्राउंड की समस्या है, मेरा जो रास्ता का समस्या है, इस पे महाप्रबंधक महोदय निश्चित तौर पर ध्यान दें, नहीं तो हम लोग एक बहुत बड़ा आंदोलन करने जस्ट चुनाव के बाद जा रहे हैं। चलिए सिर्फ और सिर्फ बैगन दिखता है तो इस बार अगर आपको बैगन लाना है वोट के रूप में बैगन लाना है तो इनका क्रमांक संख्या इन्होंने बताया है और अगर हम पर इन पर विश्वास है, इनके समाज सेवा जो इन्हें करते आए हैं, ये सामाजिक कार्य जो पिछले बहुत सालों से कर रहे हैं, अगर उन पर भरोसा है तो इनके भरोसे पर खरा उतरने के लिए इस बार इनको वोट दे सकते हैं और इनको मुखिया पद में जिता सकते हैं। इनका छाप इन्होंने बताया, क्रमांक संख्या बताया और अगर इन पर विश्वास है तो विश्वास बनाइए इस बार और इनको वोट लाइए और इनको जिताइए ताकि ये हमेशा आपके लिए आगे आते रहेंगे। तो इसी के साथ मैं कुमार सानू आपसे लेता हूँ अलविदा, मिलूंगा अगले एपिसोड में जिसका नाम है मुखिया जी काम कह लो कि नहीं, जहाँ हम बताते हैं कि आपके क्षेत्र में कौन प्रतिनिधि कौन सा काम कर रहा है और क्या आपको जीतने के बाद वो कौन सा काम करेगा या आपके लिए कौन अच्छा है। इसी के साथ नमस्कार।